आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्लेन का टिकट कैसे बनाते हैं। कभी कभी ये होता है कि हमें अदर कंट्री में जाना होता है या अपने ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना होता है तो हमें प्लेन के टिकट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप खुद से ही घर बैठे मोबाइल फ़ोन से ही आप प्लेन का टिकट बना सकते हो। सोगाज मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से प्लेन का टिकट बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए आपको GoIBGo एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेना है। मैं इसको पहले से डाउनलोड कर लिया हूं तो यहां पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। चलिए हम यहां से ओपन वाले पे क्लिक करके इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करते यहां पे आपको कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पे आपको पहले अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आपको जो अकाउंट क्रिएट कर लेना है। चलिए यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद इस तरीके से आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाला पे क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे 4 डिजिट का OTP आएगा। यहाँ पर देखिए ये डिटेक्ट कर लिया है और इस तरीके से यहाँ पे आपको ले चुका है। यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट है और यहाँ पर देखिए कि आप जो है इस पर एक्टिव हो चुके हैं और इस पर आपका अकाउंट बन चुका है। सो इस तरीके से पहले आपको इस पर अपना जो है अकाउंट बना लेना है मोबाइल नंबर डाल के। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप होटल, फ्लाइट, ट्रेन, कैब, यहाँ कपल होटल, एयरपोर्ट, कैब, बस और यहाँ पे सेल्फ ड्राइव, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको स्पेशली बताने वाला हूँ कि आप फ्लाइट कैसे बुक करेंगे, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि यहाँ से आप नेशनल और इंटरनेशनल दो तरीके के फ्लाइट को बुक कर सकते हैं। यहाँ फ्लाइट वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ फ्लाइट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ वन वे और यहाँ पर राउंड ट्रिप और यहाँ पर मल्टी सिटी। मल्टी सिटी का मतलब ये हुआ कि जो प्लेन जो है वो हर स्टॉपेज पर रुकते जाएगी, तो ये मल्टी सिटी हो गया। राउंड ट्रिप अगर जाना आना चाहते हैं तो यहाँ पे राउंड ट्रिप पर क्लिक करेंगे। अगर आप सिर्फ जाना चाहते हैं यहाँ तो सिंपली वन वे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्म वाला ऑप्शन है, यहाँ पे डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे फॉर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करें। आप कहाँ से फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना। जैसे हम दिल्ली से पकड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल देंगे दिल्ली। यहाँ पर जैसे दिल्ली डाला, यहाँ पर देखिए आ चुका है दिल्ली, तो दिल्ली पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से यहाँ दिल्ली सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ डेस्टिनेशन में आप डालेंगे कि आप जाना कहाँ चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना, तो डेस्टिनेशन वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ से दिल्ली से आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, जैसे बॉम्बे, बंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ देखिए पटना, अहमदाबाद, गोवा, लखनऊ, रांची का भी ऑप्शन है, तो आप दिल्ली से इतने सारे जो नेशनल भी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से इंटरनेशनल जाना चाहते हैं तो यहाँ से ओमान, बहरीन, कतार, दुबई, कहीं के लिए भी आप जो है दिल्ली से बुक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जब डाला हूँ फ्रॉम दिल्ली, मैं डेस्टिनेशन में डाल देता हूँ कुवैत। जैसे यहाँ पर देखिए मैं कुवैत डाला तो यहाँ कुवैत सिटी आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो है डिपार्ट हो रहा है यहाँ 4 मार्च का और यहाँ पे रिटर्न हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर जाना आना चाहते हैं तो वो भी डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आज का डेट यहाँ पे आ चुका है 4 मार्च। इस तरीके से यहाँ पे ट्रेवल एडल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कितने एडल जा रहे हैं इस तरीके से आप यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं। और आपको अगर एक ही जाना तो सिंपली यहाँ माइनस वाले पे क्लिक करके एक कर लेंगे। अगर नहीं है कुछ तो सिंपली ओके कर देंगे। यहाँ पे क्लास इकोनॉमी, इस पर क्लिक करके यहाँ पे अपना क्लास भी चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बिजनेस, फर्स्ट क्लास, प्रीमियम, इकोनॉमी, इसमें से जो भी चूज करना है उसको कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इकोनॉमी ही रहने देते हैं। यहाँ पे एडल्ट ऑलरेडी मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ और यहाँ पे जो है आपका डेट भी आप डाल सकते हैं कि कौन सा डेट में जाना चाहते हैं। इसमें आपको ढेर सारा डेट मिल जाता है, तो यहाँ पर देखिए इतने सारे यहाँ पे डेट है। जो भी डेट में जाना चाहते हो इसमें से डेट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे आपको 2-3 तरह के इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि रेड है वो बुक नहीं है, या जो आपको ग्रीन है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। सो इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी आपको ग्रीन शो हो रहा है वो आपका अवेलेबल है। तो यहाँ पे 27 तारीख है, इस पर मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर देखिए 27 मार्च सेलेक्ट हो चुका है। सर्च वाले पे क्लिक करेंगे।
सर्च वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए आपके सारे में जो इस डेट में जो प्लेन जाएगी वो सारे के सारे प्लेन यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं चेपिस्ट का ऑप्शन है, नॉन स्टॉप फ्लाइट्स फर्स्ट है, यहाँ बेस्ट है, यहाँ पे आपका अर्लियर डिपार्चर है, यहाँ पे आप बेस्ट वाले पर रहने दीजिए। और यहाँ पर देखिए कि आपको जो 27 के डेट में जाएगा उसका प्राइस भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है, और यहाँ पर देखिए 7572 रुपये। तो इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और सारे के सारे जो फ्लाइट है वो आपको यहाँ से मिल जाता है। यहाँ पर देखिए फ्लाइट दुबई है, इस तरीके से नीचे आइए एयर इंडिया एक्सप्रेस है, विस्टारा है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, इंडोको है, इमरास एयरलाइंस है, यहाँ पर आपको ढेर सारा फ्लाइट मिल जाता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका टाइमिंग भी आपको यहाँ पे नीचे शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 17:45 मतलब ये जो है 5:45 जाएगी, और यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना टाइम लगेगी, 3 घंटा 45 मिनट। और यहाँ पर जो पहुँचाने का भी टाइम है दुबई, यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 बजे आपको यहाँ पर वहाँ पर पहुँचा देगी, तो 3:45 में आपको वहाँ दुबई पहुँचा देगी। इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, और यहाँ पर इसका प्राइस भी आप इस साइड में शो हो रहा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे एयर इंडिया का जो प्राइस है यहाँ पे 10,275 रुपया है। सो इस तरीके से आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि हमको कौन सा प्राइस में हमको अच्छा लगता है जाने में। सो यहाँ से देख लेंगे कि हमको कौन सा फ्लाइट बुक करना है और कौन सस्ता फ्लाइट हो सकता है। जितना दूर जाएगा उतना सस्ता मिलेगा, और जितना नज़दीक आएगा उतना महंगा मिलेगा। और यहाँ पर आपको फ्लाइट पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा फ्लाइट कैसा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है, और उसका प्राइस भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये 4:10 पर जाएगी और यहाँ 6:35 पर पहुँचाएगी, और 3 घंटा टाइम लेगा, और 3:55 टाइम लेगा, और 31,919 रुपया है। इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर चेकिंग इन बैग जो है 30 kg तक आप इसको लेके बैग लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बैग का भी ऑप्शन मिल जाता है कि कितना kg तक आप जो है प्लेन में लेके जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं यहाँ पे स्पाइस जेट का, तो स्पाइस जेट पर क्लिक करेंगे, 10,224 रुपया है। यहाँ पे आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो है कैबिन बैग जो है वहाँ 7 kg मतलब हाथ में जो आप 7 kg तक लेके जा सकते हैं। अगर आप ट्रॉली वगैरह बना रहे हैं चेक इन बैग आप 30 kg तक यहाँ पे लेके जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है बैग कैंसिलेशन पॉलिसी, इस पर क्लिक करके इसका जो कैंसिलेशन पॉलिसी है इसको आप इसमें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि आपका हाथ में लेके जाइएगा वो कैबिन में, यहाँ पे आपको 7 kg और बड़ा बैग अगर लेके जा रहे हैं तो उसमें 30 kg तक लेके जा सकते हैं। यहाँ चेक इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप हाथ में लेके जा रहे हैं तो 7 kg कैबिन में, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ बैगेज का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप 7 kg और 30 kg तक लेके जा सकते हैं। इस तरीके से फेयर रूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन चार्ज, यहाँ पे अगर आप कैंसिल करते हैं तो उसका जो है यहाँ पे चार्ज आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 घंटा से लेकर 24 घंटा के अगर बीच में अगर आप फ्लाइट कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपको जो इसका जो दिए हुए पैसा बैग का उसको आपको कोई रिफंड नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि नो रिफंडेबल। इस तरीके से यहाँ जो है शेड्यूल चार्ज यहाँ पे नीचे देख सकते हैं इसका। इस तरीके से हम बैक आएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो है ऑफर प्रोमो कोड है, इस पर क्लिक करेंगे, इसका आप ऑफर भी ले सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई वाले पे क्लिक करके यहाँ पे ऑफर का अप्लाई कीजिएगा तो आपको 204 रुपया इंस्टेंटली डिस्काउंट हो जाएगा। बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको और ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे ट्रेवल्स पैसेंजर का, यहाँ पे अपना जो है नाम ऐड कीजिए। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, यहाँ पे देख रहे हैं कि इंजरियस योर ट्रिप, अगर आप जा रहे हैं इमरजेंसी के लिए यहाँ पे $2,50,000 आपको मिलेगा। अगर आपको ट्रिप कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे $100 मिलेगा। अगर आपका बैग वगैरह चोरी हो जाता है सफ़र में तो आपको $500 मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे इंश्योरेंस इसको आप कर लीजिए तभी मिलेगा। यहाँ पे है इंश्योरेंस भी 360 रुपया पर पर्सन, अगर आप इसको इंश्योरेंस कर लेते तभी आपको ये जो है ऑफर है वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, नीचे आने के बाद देखिए प्लीज नोट, इसको आपको क्या करना है एक बार रीड कर लेना है क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, ठीक है। तो इसको आपको एक बार रीड कर लेना है, इसमें क्या गाइडलाइन दिया हुआ है उसको आपको फॉलो करना है। इसके बाद यहाँ सिंपली पहले अपना नाम वगैरह ऐड करेंगे, तो इसके लिए यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ऑप्शन है, आपको यहाँ पर नाम वगैरह भरना है, यहाँ पर अपना टाइटल चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका गिवन नेम फर्स्ट और मिडिल नेम डालेंगे, यहाँ पर सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पासपोर्ट नंबर, और यहाँ पे एक्सपायरी पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है वो डेट डालेंगे। इसके बाद यहाँ कंट्री पे जाएंगे और जहाँ जो भी कंट्री से हैं वो कंट्री को आपको यहाँ कंट्री वाले पे सिलेक्ट करके आपको कंट्री चूज कर लेना है। इसके बाद सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देना है। ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे यस आई करेक्ट पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करते यहाँ पे देखिए आपका पूरा जो है यहाँ पे बायोडाटा ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे आपको चेंज वाले पे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालने के बाद सिंपली चेंज वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ऐड हो चुका है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा फिलअप हो चुका है। अगर आपको इंश्योरेंस भी लेना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग इंश्योरेंस का स्टार्ट है, आप इसको इंश्योरेंस भी आप इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो इंश्योरेंस आपका अलाउ हो चुका है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए आपका प्राइज आ चुका है 10,584 रुपया। इस तरीके से इस पर क्लिक करके आप इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए बेसिक फेयर आपको इतना आ गया, फीस एंड सरचार्ज आपको इतना आ गया, इंश्योरेंस जो है 360 रुपये वो भी ऐड हो चुका है और भी यहाँ पर डिटेल है जो ऐड हो चुका है और टोटल जो आपको पेमेंट बना है 10,584 रुपया। इस तरीके से यहाँ कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू वाले पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको सीट अवेलेबल वगैरह ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ पर आपको सीट यहाँ पर बुक कर लेना। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे फ्रंट का ऑप्शन है, मतलब आगे साइड का, और इसका ये पूरा प्लान है और यहाँ फ्रंट आगे साइड का है और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइए और नीचे जाने के बाद यहाँ देखिए बैक साइड पीछे साइड का, तो यहाँ पर देखिए सारी ये बुक हो चुका है। और यहाँ पर देखिए कि आपको जो भी मिडिल में आपको शो हो रहा है वो कलर कलर में, और इस तरीके से आपको 3-4 कलर में मिल जाता है, तो जो ग्रीन वाला है वो आपका अवेलेबल है वह है, तो यहाँ से आप सीट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे 1 सीट सिलेक्टेड है, मतलब आप यहाँ पे 1 सीट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेल्स का ऑप्शन है, इसे मेल पर क्लिक करके यहाँ पे फूड वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो भी आप फूड खाइएगा वो आपको यहाँ से ऐड कर लेना है और यहाँ पे आपका जो है चार्ज है वो भी आपका चार्ज उसी में इंक्लूड हो जाएगा और आपके पैसे उसी में कटेगा। यहाँ पर आपको ढेर सारा जो है मील्स वगैरह है वो इसमें से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं कि आप क्या खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर बैगेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए 10 kg 5 kg का जो बैगेज है इसमें आप ऐड कर सकते हैं और इसका जो फीस है वो भी ऐड हो जाएगा। तो सीट वाले पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें यहाँ 5D है, 6D है, तो जब मैं यहाँ पर 5D पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखिए 347 रुपया और यहाँ पर देखिए आपका सीट ऐड हो चुका है। प्रोसीड वाले पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिए कि आपका पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इसके बाद SBI बैंक, तो आपको जो भी बैंक से पेमेंट करना है उस बैंक को आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपको जो पेमेंट करना है 10,584 रुपया। तो यहाँ पर जैसे हम SBI से पेमेंट करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, SBI वाला पे क्लिक करते यहाँ पर देखिए ऑप्शन प्रोसीड होकर आ चुका है। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए कि आपका न्यू दिल्ली से दुबई के लिए, और यहाँ पर देखिए एक आदमी है 27 मार्च है, और इस तरीके से आपका जो भी नाम है वो यहाँ नाम आ चुका है। यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे अमाउंट जो है पेबल करना है 11,730 रुपया। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर डाल के पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपायरी डेट डालेंगे, CVV नंबर डालेंगे और कार्ड होल्डर पर जो भी नाम है वो डालेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं पे वाले पर, इस पर क्लिक करके आपको पे कर देना है, या आप यहां से UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं, पेलेजर से कर सकते हैं। यहां पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जिससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको नेट बैंकिंग से करना है, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहां पर आपको नेट बैंकिंग का पूरा ऑप्शन आ जाता है। यहां पर सब बैंक आ चुका है, जो भी बैंक से करना है आपको वो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमको स्टेट बैंक से करना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करते यहां पर देखिए कि कुछ इंश्योरेंस का ऑप्शन आ चुका है। यहां पर अगर आपको इंश्योरेंस करना है तो यहां पर देख रहे हैं कि आपको जो कोई इंश्योरेंस होगा तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपया आपको यहाँ पे मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली यहाँ आप कंटिन्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने में जो है नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा जिससे आप बहुत ही इजीली इसको आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपको जो पेमेंट गेटवे का है वो ओपन होकर यहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे अपना यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो बैंक में दिए हुए हैं उस पर OTP आएगा। जैसे OTP डालिएगा तो आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो जाएगा और आपके टिकट भी कंफर्म हो जाएगा। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही इजीली आप प्लेन का टिकट बुक कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से घर बैठे मोबाइल फ़ोन से ही प्लेन का टिकट बनाते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।